हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव फूड अनबॉक्स पर। तो आज हम कोई अनबॉक्सिंग नहीं करेंगे, आज हम कुछ अच्छी सी चीज़ बनाएंगे जो आपने कई यूट्यूब पर कई वीडियो देखे होंगे। ये ओरियो आइसक्रीम बनाएंगे हम, होममेड ओरियो आइसक्रीम देख सकते हो आप। हमें सिर्फ एक तो अमूल गोल्ड और हमें ओरियो के पैकेट से, ये बिस्कुट के और ये गुल्फी के आते हैं, जो आप जो कुल्फी खाते हैं उनके आते हैं वो ले लेंगे और एक कैंची लेंगे, बस और कुछ नहीं चाहिए। हमारा ओरियो आइसक्रीम आपको दिखाएंगे। और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पर पहली बार आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और सपोर्ट करना अपने छोटे भाई को। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इनको साइड में करते हैं, पहले हम ओरियो बिस्कुट्स को क्रश कर लेते हैं इनको। जब तक दोस्तों मैं इनको क्रश करता हूँ, आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नीचे रेड कलर का बटन है, उसे दबाकर अपने छोटे भाई के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। तो फ्रेंड्स, आप में से किस किस ने ये ओरियो आइसक्रीम घर पर बनाई है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिव्यू दिए कि आपको ये ओरियो आइसक्रीम कैसी लगी। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। तो आप देख सकते हो हमने ओरियो बिस्कुट को क्रश कर दिया है। तो अभी हम इनको कैंची से काट लेंगे, ऊपर से इसके अंदर वो स्टिक्स डालेंगे जो हमने चार इकट्ठी की हैं। तो देख सकते हो आप, बहुत ही अच्छी तरह से अपने को डेकोरेट भी करना है। तो दोस्तों, अभी हमें ये लास्ट बचा है ओरियो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में। तीन मेरे पास में वेनिला फ्लेवर हैं और एक स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है। तो इसको भी अंदर ये स्टिक्स डालेंगे और अमूल गोल्ड को फिल कर देंगे। तो बहुत ही बढ़िया बनने वाली है आइसक्रीम, और आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए। अभी गर्मियों का मौसम चल रहा है तो आप भी ज़रूर घर पर ट्राई कीजिए। और टेस्ट खाने में तो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यमी होती हैं ये। तो आप देख सकते हो इसके अंदर हमें अमूल गोल्ड को फिल कर देंगे, इसको अंदर अमूल गोल्ड डाल देंगे। तो आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया और बहुत ही टेस्टी, दिखने में बहुत ही बढ़िया टेस्टी लग रही हैं। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए और वीडियो लाइक ज़रूर कीजिए, हमें लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो आप देख सकते हो हमने अमूल गोल्ड को इसके अंदर फिल कर दिया है। तो अभी इसके अंदर हम आइसक्रीम स्टिक्स एक एक के अंदर डाल देंगे, बहुत ही बढ़िया दिखने में, बहुत ही टेम्प्टिंग लग रहा है। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए। तो अभी हमारे ये तैयार हो गया है फ्रिज के अंदर रखने के लिए। तो अभी इसको हम फ्रिज में रखेंगे, 6 घंटे के लिए हमें फ्रिज में ओरियो आइसक्रीम को रख देना है। उसके बाद में ये हमारी ये आइसक्रीम तैयार हो जाएगी। ये आइसक्रीम बनने के लिए 6 घंटे चाहिए, तो 6 घंटे को हम रख देंगे। तो चलो, 6 घंटे के बाद में आप देख सकते हो बहुत ही अच्छी तरह से ये फ्रिज हो गई है, बहुत ही सुंदर। तो आप देख सकते हो ये फ्रिज में पूरी तरह से जम गई हैं। आप देख सकते हो मैंने 6 घंटे के लिए फ्रिज के अंदर इसको जमने के लिए रखा था। आप देख सकते हो, आप बहुत ही बढ़िया और बहुत ही सुंदर क्वालिटी में आई है, पूरी फ्रिज के अंदर आइसक्रीम बन गई है। तो चलो इसको अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं कैसा टेस्ट है और देखने में कैसी लग रही हैं। चलो इसको अनबॉक्स करते हैं। ये आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया दिख रही हैं दिखने में। तो ये आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया आइसक्रीम दिखने में लग रही हैं। ये मैंने एक ओरियो स्ट्रॉबेरी लिया था, बाकी सब वेनिला। ये देख सकते हो बहुत ही बढ़िया लग रही हैं दिखने में। तो आप देख सकते हो, आप भी घर पर बना सकते हो गर्मियों में आइसक्रीम, किसी भी मौसम में आप इनको घर पर बना सकते हो। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी भी बनती है, बाजार से ये बहुत ही हेल्दी बनती है आइसक्रीम। तो आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया बनती है, देखो आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर क्वालिटी में और बहुत ही बढ़िया बन सकती है। आप इसके ऊपर डेकोरेशन के लिए चॉकलेट सिरप वगैरह यूज़ कर सकते हो, ड्राई फ्रूट्स वगैरह। तो टेस्ट करके बताता हूँ ये कैसी बनी है। तो चलो टेस्ट करते हैं इसको, खाने में बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही टेस्टी। एंड ओरियो स्ट्रॉबेरी और मिल्क का फ्लेवर बहुत बहुत बढ़िया आ रहा है। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए, बस छोटी सी रेसिपी थी, आप भी जरूर ट्राई कीजिए। और आपको कैसे लगी रेसिपी, वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल पर पहली बार आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। नीचे रेड कलर का बटन है छोटा सा, उसको दबाकर अपने छोटे भाई को चैनल को सब्सक्राइब करना और सपोर्ट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय दोस्तों।